सात वर्ष पूर्व शुरू हुई पीएम जनधन योजना का असर अब दिखना शुरू हो गया है। योजना के अंतर्गत खाता खोलने वाले लाभार्थियों की माने तो वो लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि उन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए सूदखोरों से भी छुटकारा मिल गया है। जीरो बैलेंस से खुलने वाले इन खातों में मनरेगा, मजदूरी, प्रधानमंत्री शहर व ग्रामीण आवास योजना के साथ ही शौचालय योजना, छात्रवृत्ति और कोरोना काल में श्रमिकों को, प्रवासी मजदूरों को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जरूरतमंदों को आर्थिक मदद देने में भी ये सहायक साबित हो रही हैं। जनधन खाते की लाभार्थी रंजना सिंह ने बताया कि इन खातों के माध्यम से दो मीबा योजना का लाभ भी उन्हें मिल रहा है। लाभार्थी कुसुम कहती हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री श्रमिक योजना से मिलने वाली आर्थिक मदद इन्हीं खातों के माध्यम से मिली है। उज्ज्वल गैस की सब्सिडी का पैसा भी इसी खाते में आया है। वहीं लाभार्थी इमाम अली ने बताया कि मनरेगा मजदूरी का पैसा भी इसी खाते में आता है। रविकांत मौर्य ने बताया कि अब तक 10,000 तक इन्हीं खातों के माध्यम से शाखा प्रबंधक उन्हें कर्ज के तौर पर बिना ब्याज के दे देते हैं और इससे अब सूदखोरों का दरवाजा उन्हें नहीं खटखटाना पड़ता। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक महाप्रबंधक ब्रह्मानंद द्विवेदी ने बताया कि जिले में अब तक 2,45,229 लोग जनधन खाते का संचालन कर रहे हैं। इसमें 6,54,328 महिला और 5,90,901 पुरुष हैं। खाता धारकों के द्वारा अब तक इन खातों से 7,44,18,00,000 रुपए जमा कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन खातों के संचालन के लिए 438 बैंक मित्र अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी, मेरा नाम इमाम अली है और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जनधन खाता मेरा चल रहा है और इस खाते के तहत तो जनधन खाता बहुत ही एक अच्छी स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री ने बहुत आज से 7 साल पहले लॉन्च किया था। तो जिसमें हर तरीके की स्कीम पाई जा रही है, जैसे कि जो है पीएम से संबंधित और भी तमाम लाभ, जो है पैसे आना और भी जो कि चीज़ें हैं, सारी चीज़ इसमें फ़ायदा मिलता जा रहा है। और इसमें अगर जैसे हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अगर अपने अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस कर दे रहे हैं तो किसी तरीके से कोई चार्ज इसमें नहीं करता है और हमारी गैस की सब्सिडी और भी जो भी पैसे होते हैं सब इसी में आते हैं। और अगर जैसे बाय द वे मेरे पास पैसे की ज़रूरत है, पैसा भी फ़िलहाल नहीं है, तो हम जो है अगर किसी से मांगने जा रहे हैं तो वहाँ से अगर हमको नहीं मिल रहा है तो हम फौरन जाके अगर शाखा प्रबंधक से संपर्क करते हैं तो 10,000 तक का पैसा तुरंत मुझे मिल जाता है। मैं उसे अपने काम के लिए यूज़ भी करता हूँ और फिर कुछ दिनों में उसे वापस कर देता हूँ। तो इस वजह से मैं प्रधानमंत्री को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ये खाता बहुत ही अच्छा है और मैं इसका कस्टमर हूँ। ये योजना बहुत अच्छी है गरीबों के लिए, खासकर जो कभी बैंक नहीं गए, खाता नहीं खुलवाए और आज जो है सब गरीब आदमी, बच्चियां, लड़के सबके लिए खाता ये खुलवा के प्रधानमंत्री बहुत अच्छी योजना ले आए। इससे ये फ़ायदा है कि 1,00,000 रुपए का इसमें दुर्घटना बीमा दिए हैं प्रधानमंत्री जी और 3,000 रुपए स्वास्थ्य बीमा दिए हैं और 5,000 रुपए हम लोग चाहे जब खाते से निकाल सकते हैं बिना ऋण के 3 महीने के लिए। अब 15 अगस्त को हमारे मोदी जी ने जो ये जनधन खाता ने खुलवाए थे, इसमें बहुत लाभ मिला था मुझे। इसमें मेरा दो दो बीमा है, उसका पैसा भी मिला था, आवास भी मिला है, मुझे बहुत लाभ मिला है इस खाते से। कोरोना काल का जब संकट आया था तो तभी मुझे लाभ मिला था। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कौन मौर्य है, किस तरह का लाभ मिल रहा है जनधन खाते से आपको? प्रधानमंत्री ने जो जनधन योजना के अकाउंट खुलवाए थे उसमें बहुत तरह के लाभ मिल रहे हैं, जैसे उसमें 12 रुपये का इंश्योरेंस भी हो रहा है, दुर्घटना बीमा और 330 का PMJJBY भी हो रहा है जो किसी तरह से मृत्यु होने पर मिलता है। इसके अलावा उसमें गैस की सब्सिडी भी आ रही है, आवास का पैसा भी आ रहा है, उसमें 10,000 का ओवरड्राफ्ट का भी सिस्टम है, उसको लेके हम जो है अपना काम निकाल सकते हैं, उसके बाद उसको जमा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो महिलाएं हमारे बैंक तक नहीं आती थी, डरती थी खाता खुलवाने से, वो उनका खाता 100 रुपये में खुल जा रहा है, तो सारे लाभ जो है उनको मिल रहे हैं।
इसके लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। की नाम है इसका, इस योजना की शुरुआत सन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसका उद्देश्य था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। आज तक वो बैंक में जाने से डरते थे क्योंकि खाता खोलने में 500 1000 रुपया लगता था, उनके पास वो पैसा होता नहीं था। तो इस योजना में ये था कि जीरो बैलेंस से खाते खुलेंगे, जीरो बैलेंस से खाता खुलेगा, उसको ATM दिया जाएगा, किसान सम्मान निधि भी इसी खाते के जरिए आ रहा है, गैस सब्सिडी भी इसी जरिए आ रहा है, उज्ज्वला योजना है उसकी भी सब्सिडी इसी के माध्यम से आ रही है। तो इस खाते से बहुत लाभ है, इस खाते से उनको फ्री में ATM कार्ड मिल रहा है, दो लाख की उनको ये बीमा मिल रही है। इस समय वर्तमान में सुल्तानपुर रीजन में 10 लाख जनधन खाते हैं और ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में 12 लाख खाते हैं, इसमें 744 करोड़ रुपया है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत प्रमुख योजना है और भारत एक गरीब देश है, इस गरीब देश के में गरीबी के उन्मूलन के लिए एक प्रमुख योजना है। इसमें 2000 से लेकर 10000 तक ओडी फैसिलिटी भी मिलती है। तो हमारे समझ से ये योजना काफ़ी सफल रही है और इस योजना के जो खाते होते हैं BC पॉइंट पे खोले जाते हैं। इस समय हमारे पास पूरे UP में सबसे अधिक 438 BC है। तो इस खाते में हम लोग काफ़ी अपना योगदान दे रहे हैं और इसमें काफ़ी अच्छा